अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरगोधा। तो भाई इस वक्त सरगोधा में मौजूद है। सरगोधा जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना शाहीनों का शहर है, इसके साथ साथ इधर किन्नू शिन्नू भी काफ़ी पाए जाते हैं। लेकिन भाई इधर चेक करने पहुंच गया है फूड का निज़ाम। तो फूड का निज़ाम सरगोधा में कुछ है बंदे जो अच्छा काम कर रहे हैं और जिनके काम का एक लेवल है, तो भाई वो लेवल चेक करने के लिए पहुँच गया है। अगर हुआ तो आपको बताएंगे, वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि भाई इस वक्त है मोतीचूर की दुकान पे। मोतीचूर असल में यहाँ पे मिठाई की दुकान है, लेकिन इसके साथ ये ना हलवा पूड़ी वगैरह लगाते हैं और इनकी हलवा पूड़ी का एक लेवल है। वो चेक करने के लिए पहुँच गए हैं, चेक करते हैं मज़े का हुआ लेवल का हुआ तो आपको बताएँगे। वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा। शोर बहुत है क्योंकि भाई इस वक्त कचहरी बाज़ार में मौजूद है। कचहरी बाज़ार असल में जब आप आते हैं ना शाहीन चौक से जब आप अंदर को इंटर होते हैं ना, तो सामने गोल की तरफ ये उसी रोड पे मेन पे वाकया है। तो चलते हैं, चेक करते हैं। वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा और भाई को शाबाश भी दीजिएगा। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये मोतीचूर का प्लेटर पहुंच चुका है। प्लेटर में इन्होंने हमें दिए हैं जी, सबसे पहले तो ये दिए हैं पुड़िया हैं, पुड़िया काफ़ी अरे हाय हाय खस्ता है, ज़बरदस्त हैं इनकी पकवाई में। ये देखें आप इनका निज़ाम, ये पूरा इनको जो सेका लगता है ना वो डबल किस्म का लगा हुआ है। पूरी जो है ना अपने पूरे जोबन पे इसके साथ जनाब इन्होंने हमें दिए ये चने और साथ में ये आलू की भुजिया है। आलू की भुजिया ये इसके अंदर ही डाल देते हैं। वैसे आमतौर पे मैंने लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में देखा है कि वो अलहदा होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना इन्होंने इसके अंदर ही डाली हुई है। लेकिन इनका स्टाइल है, साथ में ये हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं और दबल किस्म का निज़ाम है। इसके साथ ये हलवा है इनका, हलवा इनका वही जो आम घरों में हलवा होता है उसी का स्टाइल है। आपको दो मिनट बाद हेलो हेलो की जो आवाज़ आती है वो बाहर एक माइक वाला है, उसका माइक ख़राब है, वो चेक कर रहा है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मेरा ठीक है। तो ये हलवा जो है ना इसकी रंगत माशाल्लाह से जो आम घरों में हलवा होता है ना उसी तरह की है। इसमें कोई जर्दा रंग या कोई पिंक कलर का कोई टच नहीं इन्होंने लगाया। इसके साथ ये अचार का हल्का सा टांका दिया है, इसमें थोड़ी सी वो कंजूसी कर गए हैं, लेकिन साथ में प्याज और दही में भी थोड़ी सी कंजूसी है, लेकिन काम ठीक है, भाई का गुजारा हो जाएगा। तो मज़ीद इसको खा के चेक करते हैं कि ये वाकई इनका लेवल है जो हम सुन के आए हैं वो है। तो ये पहली बाई भाई लेगा, आए हाय पूरी काफ़ी खस्ता है और काफ़ी ज़बरदस्त है। ये वाइट हम बनाएंगे जी दबल किस्म की, साथ में ये हम डालेंगे आलू और ये चने और ये दबल निज़ाम, साथ में हम थोड़ा सा हलवा भी लगाएंगे ताकि ये ज़रा मीठा और नमकीन जब दोनों मिलते हैं तो मज़ा धमाके स्टाइल हो जाता है। साथ में हम लेंगे थोड़ा सा प्याज भी और ये अचार भी हाथों से ही लेंगे, ऐवें ही हमें जतन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बाइट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई यार हर चीज़ अपना पूरा फ्लेवर दे रही है और एक धमाका स्टाइल फ्लेवर दे रही है। जब ये बाइट मुंह में गई है ना तो पता चला है कि कोई चीज़ खाई है। वाकई यार लेवल है इसका। दूसरी बाइट हम लेंगे, आए ये ज़रा चेक कर लेंगे, आए क्या बात, ये साथ में अचार और इसके साथ दही ज़रा ऐसे ही ले लेते हैं और साथ में हलवा। मुझे तो इससे बहुत मज़ा आया, ये ज़रा लेमन मैक्स हो गया है, हाय हाय
क्या बात है यार, वाह। ये दूसरी बाइट का चेक करें। जी नाजरीन, ये हमारे सईद अख्तर भाई हैं जो ये ना मोती चूर का सेटअप चला रहे हैं। वैसे तो इनके साथ भाई और भी हैं, लेकिन ये मतलब सारा जो हेड है ना वो इनके पास ही होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है, सेहत भी है ठीक है? सर सबसे पहले ये बताएं कि ये आप कितने अरसे से ये दुकान चला रहे हैं माशाल्लाह से? 75-76 साल से। वाकई सर? माशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो आप पकवाई में ये जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो मटेरियल, जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े ख़ास लेवल के हैं। मैंने खाई है पूरी, ज़रा भी बोझ नहीं हुआ और ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि मैंने कोई हैवी चीज़ खाई है। तो ये कोई ख़ास चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं? घी में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑयल शॉयल? घी में हमारा कश्मीर घी इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर घी इस्तेमाल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मियार पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मियार पे हमारा, हमारी पहचान। अच्छा सर, इतनी महंगाई में आप मियार रख पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रख रहे हैं, अल्लाह खैर। अच्छा सर, ये आने वालों को ये ज़रा ड्रेस समझा दें आपका, कि ये कौन सा बाज़ार? ये कचहरी बाज़ार है, चौक कचहरी बाज़ार। चौक कचहरी बाज़ार, हाँ जी ठीक है। आप अगर 230 आते हैं यूनिवर्सिटी रोड से आते हैं जी, तो ये आप आगे क्याम चौक आ जाएगा। क्याम चौक से आप ब्रिज के साथ नीचे से आएंगे ना, अच्छा, तो कंपनी बाग आ जाएगा। कंपनी बाग से आपको राइट लेना है और आगे सिर्फ चौक में आ जाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह चौक के अंदर मोटी चौक आ जाएगा। तो आप डिवीज़न में सी 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 मोटी चौक का? हाँ, मैंने वो रक्षे वाले को कहा है मैंने ये मोती चूर के जाना है, वो उसने दूसरा सवाल ही नहीं किया, उसको डायरेक्ट ले आया। नहीं ठीक है सर, काम चले, शुक्र अल्लाह का सर, बहुत शुक्रिया सर, आप भी मसरूफ हैं, अल्लाह खैर। केड़े उस्ताद नूं पुछना? अच्छा ऐ उस्ताद अताउल्ला। अच्छा जी, ओ भाइन कौन ने? उस्ताद शम्मस। ते ऐ भाइन? उस्ताद मकसूद। ते अपना भी दस दियो। आया यार लड्डू दे अबू, तेरा कुछ नहीं जाता, इधर आ, नंबर लवा विच बस। अच्छा इन्हों का की नाम सी जो पाइन गए? यूनस भाई। अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करे जी। ये जी जो चौक रोड आपको नज़र आ रहा है, ये रोड है अपना शाहीन चौक वाला रोड। शाहीन चौक से जब आप अंदर को आते हैं ना गोल चौक की तरफ, तो ये बिल्कुल इन्होंने ना लेफ्ट साइड पे ये मोतीचूर के नाम से ना मिठाई की दुकान बनाई हुई है। ये जो ये वाला रोड है ये जा रहा है गोल की तरफ, वो सामने आपको ज़बरदस्त किस्म की मस्जिद नज़र आ रही है। तो ये हमारे मोतीचूर वाले जी नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोतीचूर वालों की ना हलवा पूड़ी खा ली है। हलवा पूड़ी वाकई नेक्स्ट लेवल की थी, मज़े की थी। इनके पास हलवा पूड़ी के अलावा ये वो फलां फलां भी होता है और तोए जोए एन गैन भी होता है, लेकिन इनकी हलवा पूड़ी का वाकई लेवल है। आप लोग जब भी कचहरी बाज़ार में आएँ सरगोधा में, तो मोतीचूर की हलवा पूड़ी ज़रूर चेक कीजिएगा। किसी से भी पूछ लें कि यार मोतीचूर की हलवा पूड़ी पे जाना है, वो आपको सीधा ठक करके ले आएगा। काम अच्छा है, मज़े की हलवा पूड़ी है, लेवल है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई की ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर एक और बंदे हैं जो महर लस्सी वाले हैं, तो उनकी लस्सी भी ट्राई करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट वही है। तो चलते हैं सर। सर की हाल चाल है? सेहत भी है ठीक है। सर सब तो पहले अपना नाम दसो। मेरा नाम शेख इंतजार हुसैन। शेख इंतजार हुसैन? इंतजार हुसैन। इंतजार हुसैन। सर ये माशाल्लाह सेटअप जेड़ा वा, ये कौन चला रहा है अपना?
ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਦਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। नाजरीन हमारे पास ये मैर चाचू की लस्सी पहुंच चुकी है। लस्सी में ये देखें ज़रा दबल किस्म की मलाई लगाते हैं ऊपर, काफ़ी मोटी तय है इसकी और लस्सी भी इनकी काफ़ी गाढ़ा निज़ाम है इनका। वाकई यार क्या बात है। तो मज़ीद इसको पी के चेक करते हैं, पहले थोड़ी सी मलाई खा लें। वो खोए जैसी है यार, क्या कमाल का जायका है, क्या कमाल का फ्लेवर है। मीठा बिल्कुल लाइट है और ये बता रहे हैं कि चीनी जो है ना वो मतलब अपनी देखभाल के लेते हैं, हमें किसी से चीनी लेके नहीं ये करते। क्या बात है यार। ओए हो कमाल। ये लस्सी ना दड़िड़का स्टाइल है, यानी दही इसमें ज़्यादा है और दही ज़्यादा डाल के ना इन्होंने पेंटा लगाया हुआ है। वाकई यार ज़बरदस्त है, नेक्स्ट लेवल है। जी नाजरीन ये आपको जो रोड नज़र आ रहा है ना ये उर्दू बाज़ार है, टोटल उर्दू बाज़ार है। यहाँ पे बुक शॉप की दुकानें भी हैं, इसके अलावा और भी दूसरी दुकानें हैं। ये इन्होंने इधर ये सेटअप लगाया हुआ है मैर चाचू लस्सी हाउस ये। जी नाजरीन ये हमारे मार मोहम्मद अमीर साहब हैं जो ये ना मैर चाचू लस्सी का सेटअप चला रहे हैं और ये काफ़ी अरसे से और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर की हाल चाल है? सेहत तबीयत ठीक है? पंजाबी बोलने को टेंशन तो नहीं? नहीं नहीं कोई गल नहीं भाई। अच्छा सर सब तो पहले तो ये दसो कि किन्ने अरसे तो सेटअप चला रहे हैं? भाई पहले साढ़े वाले सब चलाते थे, बाद 40-45 साल मैं हो गए, 45-47 साल जी। उन्होंने कितना अरसा चलाया? देख लो कितना चलाया, खानदानी चला आ रहा साडा। यानी कि 100 साल हो गया दुकान? हाँ जी लगीराम लाल जी। माशाल्लाह यार चला आ रहा साडा। अच्छा हाँ जी। यानी ये पाकिस्तान बनने तो पहले ही दुकान है? नहीं जी बाद में बनी है। 100 साल तो पाकिस्तान? हाँ जी। अच्छा पाकिस्तान तो बाद हुए? हाँ जी। अच्छा 50 साल हो गए ना सब। अच्छा 50 साल हो गए। अच्छा सर कैसा जा रहा है काम? लगीराम लगीराम जा रहा है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। अच्छा हाँ वाले साहब ने खालस दूध खालस दही अल्लाह की रहमत से डाल के चीनी चुनी खालस चीनी होती है हमारी। अच्छा चीनी का बड़ा दखल है इस में, कोई शक नहीं है अभी ओदी भी क्वालिटी ओदा मियार देखना। बिल्कुल बिल्कुल लस्सी च मलाई पाए इस दंदे ने। अच्छा जी हां जी लस्सी गिलास दी। अच्छा फार्म अपना वा कोई मज्जां दा या तुसी बाहरों कितो दूध लेने हैं? 5-7 दूधियां को या लई रहमन साडा पिछो अपना जाती दूध आ रहा है? अच्छा जाती दूध आ रहा है को अपना फार्म हाउस तुसी बनाया जिथे तुसी फार्म बनाया मज्जां रखियां ते उठो ही बाहरों नहीं लेने? बाहरों नहीं लांदे अस। अच्छा असा साडा अपना सेंटर बने हो सही। अच्छा बुजुर्गों की तस्वीर मैं देखी है तोडे वाले साहब ने? जी वाले साहब जी ने। अच्छा इन्होंने पहले ये सेटअप चलाया? बिल्कुल ठीक हो गया सर। अपना जरा एड्रेस दस दियो की है जी? ब्लॉक नंबर 11-12 जी। अच्छा न्यू उर्दू बाजार है? उर्दू बाजार हाँ जी ठीक है। इतने 50 साल ही चले आ रहे थे असि। ठीक हो गया वाकई मैंने लस्सी पी है इनकी, वाकई नेक्स्ट लेवल की है, मज़े की है। आप लोग उर्दू बाजार में जब आएंगे
तो उर्दू बाजार किसी से भी पूछ सकते हैं, आप पूरे सरगोधा से पूछ लें कि मेहर चाचू की लस्सी पे जाना है, पूरे पंजाब से पूछ, पंजाब से पूछ लें तो वो आपको लेने आ जाएंगे, लेके इधर पहुंच जाएंगे। तो आइएगा, चेक कीजिएगा, वाकई यार ज़बरदस्त लेवल है जी। नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहर चाचू की लस्सी पी ली है, मेहर चाचू की लस्सी वाकई नेक्स्ट लेवल की है, मज़े की है। आप लोग जब भी सरगोधा में आएँ, कहीं भी खड़े होकर कह दें कि मेहर चाचू लस्सी वाले की तरफ जाना है, तो वो रक्षे वाला आपको ले आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई की ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आएगी। साथ में हमने वो जो पुड़ियाँ खाई हैं ना, वो भी कमाल का लेवल था, वाकई कमाल की, मज़े की थी। जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वो रश इसीलिए था कि उधर काम है और इधर लस्सी का भी कमाल दबंग से काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई की ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्यारे भाई को दुआओं में याद रखिएगा। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।